आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के बारे में जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, वही लोग इस वीडियो को देखें जो मेहनत करना जानते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए अगर आपको कोई कंपनी देती है तो वो ऐसे ही नहीं देगी, आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए। तो अगर आप अपने आप को टैलेंटेड समझते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप मेहनत कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, हम एजुकेशन से रिलेटेड, इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड और ओपिनियन से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आप हमारा चैनल ज्यादा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हमारे अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के बारे में, तो दोस्तों हर स्टूडेंट जो कि पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करने के बाद जॉब करना चाहता है, वो यही चाहेगा कि उसकी हाईएस्ट पेइंग जॉब लगे। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो ये चाहेगा कि उसकी कम जॉब लगे। बट हर चीज को पाने के लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप में स्किल्स होने चाहिए, तभी आपको ये जॉब्स मिल पाएंगी। बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे वीडियो देखे होंगे जहां पर बता देते हैं कि भाई ये चीज कर लो तो हाईएस्ट पेइंग जॉब है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप मेहनती है, अगर आप उस चीज को डेवलप करेंगे, उस स्किल्स को डेवलप करेंगे, तो आपको वो जॉब्स मिलेंगी, वरना नहीं मिलने वाली। सुनने में भले ही आपको ये कड़वा लगे, पर ये सच्चाई है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लिस्ट को बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। अगर आप एक अच्छे मैनेजमेंट प्रोफेशनल बन जाते हैं तो आपकी सैलरी लाखों में हो सकती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें बढ़ती भी है। अगेन, जब मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे MBAs आ जाते हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट में कोर्स या डिग्री करी हुई है वो लोग आ जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, हर कंपनी में बहुत सारी ऐसी टीम की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि प्रोसेसेस को मैनेज कर सके, राइट? अगर आप MBA के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमने इस पे बहुत डिटेल पे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप ऊपर आई बटन पे प्रेस करेंगे तो आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगे। इंडिया में बहुत सारी नई MNCs खुल रही है, इंडिया में बहुत सारी नई कंपनीज खुल रही है, तो मैनेजमेंट प्रोफेशनल की डिमांड जो है एक बनी हुई है। अगर आप एक अच्छे मैनेजमेंट प्रोफेशनल बन जाते हैं, अगर आप में वो सारी स्किल्स है, तो आपको हाईएस्ट पेइंग जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता, एंड दिस इज अ गारंटी। दूसरा नंबर पे जिनकी सैलरी इंडिया में बहुत ज्यादा हो सकती है, वो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। आज की डेट में अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर की स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो वही 12-13 लाख रुपए से शुरू होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकर को बैंक में जो काम करते हैं उन लोगों से कंपेयर करते हैं। देखिए, जो बैंक में बैंकर काम करते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकर, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज में बाय सेल होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू होता है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड हमारे दो वीडियोस को जरूर देखें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होते हैं और कैसे बना जाता है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं एविएशन प्रोफेशनल्स। एविएशन प्रोफेशनल्स का मतलब होता है कमर्शियल पायलट। अगेन, कमर्शियल पायलट के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेज है, जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया में कमर्शियल पायलट बनते हैं तो आपकी जो फीस होती है वो कंपैरेटिवली हाई होती है, पर अगर आप एक सक्सेसफुल पायलट बन जाते हैं तो आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी ही 1.5-2 लाख रुपए महीना से शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप जानना चाहते हैं पूरा प्रोसीजर तो ऊपर आई बटन पे प्रेस कर सकते हैं, हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ आपको कमर्शियल पायलट से रिलेटेड सारी जानकारियां मिल जाएंगी। चौथे नंबर पर आ जाते हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स। मेडिकल प्रोफेशनल्स का मेरा मतलब है डॉक्टर्स, MBBS। अगर आप इस प्रोफेशन में अपना करियर बनाते हैं तो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा डिमांड है। अगर हम एक सर्वे की बात करें जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया है, उसमें यह बताया गया है कि इंडिया में 2000 लोगों पे सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा रेशियो है, कितना बड़ा गैप है, 2000 लोगों पे एक डॉक्टर है सिर्फ। तो आने वाले समय में इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, और डॉक्टर का एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको बहुत रेस्पेक्टेड नजर से देखा जाता है और बहुत एक जिम्मेदारी वाला काम है। तो इस प्रोफेशन में वही लोग आए जिनमें पेशेंस है, जो बहुत साल वेट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपको 8-10 साल लग जाते हैं। तो मेडिकल प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड है आज की डेट में, आप मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हैं। पांचवें नंबर पे जो कोर्स और जो करियर है जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड है, वो है आज के जमाने में, वो है IT प्रोफेशनल्स और ऐप डेवलपर्स की। अब ये जो करियर है, जिन लोगों को नहीं पता कि ऐप डेवलपर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आप फोन यूज करते हैं, आप फोन में मोबाइल में फेसबुक चलाते हैं, गेम खेलते हैं कोई, या फिर TV देखते हैं, या फिर कुछ भी करते हैं, तो वो आप ऐप के थ्रू करते हैं। और वो ऐप कैसे बनी,
अगर आप ऐप बनाना सीख जाए तो आपकी डिमांड बहुत बढ़ सकती है आज के जमाने में, क्योंकि इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है, इंडिया में डिजिटाइजेशन आ रहा है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो ऐप डेवलपर्स की डिमांड कम नहीं होने वाली, राइट? तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एक सक्सेसफुल ऐप डेवलपर बन जाते हैं तो आपकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा हो सकती है। इसके रिगार्डिंग जॉब्स भी बहुत सारी है, बहुत सारी आईटी कंपनीज में आप काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, ऐप डेवलपर बन सकते हैं। अब कैसे बना जाता है मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं, बाकी इस पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आप साइंस से हैं तो आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। अगर आप नॉन साइंस से हैं, यानी कि अगर आपके पास कॉमर्स थी ट्वेल्थ में और या फिर आपके पास आर्ट्स थी, तब भी आप एक ऐप डेवलपर बन सकते हैं बीसीए करके। बीसीए इज इक्वल टू बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जहां पर आपको ऐप से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती है। अगेन हमने सारी चीजों पर सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं आपसे वही रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियोस जाके देख लीजिए, आपकी हेल्प जरूर होगी। तो दोस्तों, अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ये चीजें आप पे डिपेंड करती है, आपके स्किल सेट पे डिपेंड करती है, आप कहां से वो चीज कर रहे हैं उस पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि एक आपने बीसीए कर लिया तो आपकी जो जॉब लग जाएगी। अब आपने बीसीए तो कर लिया पर आपको बीसीए से रिलेटेड कुछ आता नहीं है, आपको ऐप डेवलपमेंट आता नहीं है, आपने सिर्फ एग्जाम पास कर लिया, डिग्री ले ली। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ डिग्री लेने से आपको ये सारी जॉब्स मिल जाएगी, सारे बड़े बड़े पैकेज मिल जाएंगे, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। ज़्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं, वो ये सोचते हैं, वो डिग्री को उसकी पैकेज से जोड़ने लग जाते हैं। जबकि मैं आपको बताता हूँ, आपका पैकेज अच्छा तब लगेगा जब आपका उस चीज़ में टैलेंट होगा। डिग्री का आपके अच्छे पैकेज से लेना देना नहीं है। अच्छे पैकेज आपको तब मिलते हैं जब आपके अंदर काबिलियत है, जब आपके अंदर टैलेंट है। क्योंकि सभी स्टूडेंट यही चाहते हैं कि उनका अच्छा पैकेज लगे, सभी स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं और जो सबसे बेस्ट होता है उसको वो पैकेज मिल जाता है, राइट? तो दोस्तों, इस वीडियो को देख के भ्रम में ना पड़े कि भाई ये चीज कर ली तो हो जाएगा। आप अपने आप को बेहतर बनाएं, चीजों को ज्यादा लर्न करें, अच्छे से समझें, रट्टाबाजी पे ध्यान ना दें। और दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब आपका भी पैकेज जो है लाखों करोड़ों में लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा, हमने एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो वीडियोस जाके देखें, आपकी हेल्प जरूर होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही खत्म करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सवाल है, तो आप हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन पर लिख के हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियोस से बेनिफिट ले सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। लास्ट में ये कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड, ओपिनियन से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।